हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकल लर्निंग एंड दिस इज़ अ न्यू वीडियो रिगार्डिंग ऑब्सकाइनी सीरीज। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्लेसेंटा, नाउ अम्बिलिकल कॉर्ड, दैट्स कॉल्ड फ्यूनिस ट्यूब। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है, इट डेवलप्स फ्रॉम कनेक्टिंग स्टॉक। अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे क्या होता है, जैसे यह प्लेसेंटा है, इट कैन कनेक्ट हेयर, इट कैन कनेक्ट समवेयर रेदर देन द प्लेसेंटा, इट कैन कनेक्ट टू द प्लेसेंटल margin. So these kinds of I already told in before chapter. So develop kisse hota hai, connecting stalk se, theek hai? This is the connecting stalk which connect placenta to fetus, theek hai? To length iski kitni rehti, 30 to 100 cm, means 55 cm. Then this is the umbilical cord which is showing in this diagram. This is the placenta and this is uterus and then this is fetus, theek hai? और ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है, फीटस को कनेक्ट करती है किससे, प्लेसेंटा से। टिल 2 मंथ्स 4 वेसल्स रहते हैं, फ्रॉम 3 मंथ्स 3 वेसल्स रहते हैं। अरे सो फ्रॉम थर्ड मंथ से होती हैं 3 वेसल्स, 2 मंथ्स होती हैं 4 वेसल्स। 3 वेसल्स में डिवाइड हो जाता है अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन में। अम्बिलिकल आर्टरी में होती है राइट और लेफ्ट, और अम्बिलिकल वेन में होती है लेफ्ट वेन, जिसमें ऑक्सीजन ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। कहाँ पर, डक्टस विनोसस में, और डक्टस विनोसस से आईवीसी पे, इंफीरियर वेना कैवा में, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो होते हैं वाटर्स जेली, याद रख लो, वाटर्स जेली होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। कॉइल्स फोल्ड्स इन फो अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड में जो कॉइल्स बनते हैं, कॉइल्स यानी फोल्ड्स जो बनते हैं वो होते हैं फोल्ड्स ऑफ होबोकन, ठीक है। शॉर्ट कॉर्ड में क्या होता है, लेंथ लेस देन 30 सेंटीमीटर। शॉर्ट कॉर्ड में कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, मेलप्रेजेंटेशन, फेलर ऑफ डिसेंट ऑफ लेबर और एब्रप्शियो प्लेसेंटा। कौन कौन सी होती है, शॉर्ट कॉर्ड कितने की होती है, 30 सेंटीमीटर से कम की होती है, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इसमें, मेलप्रेजेंटेशन, फेलर ऑफ डिसेंट ऑफ लेबर, एब्रप्शियो प्लेसेंटा। देन आता है लॉन्ग कोड। अब शॉर्ट कोड पढ़ लिया कितनी थी, 30 सेंटीमीटर से लेस देन, अब लॉन्ग कोड कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, ठीक है। तो लॉन्ग कोड होगी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशंस आती है कॉर्ड अराउंड नेक। वो कॉर्ड क्या होती है, जो बच्चे के नेक में फंस जाती है, या कॉर्ड प्रोलैप्स कर जाती है, ठीक है, या कॉर्ड प्रोलैप्स कर जाती है, ओके। सो मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल मेलफॉर्मेशन क्या होती है, मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल मेलफॉर्मेशन होती है सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, जो कि रेयर है, ज्यादा नहीं होता है ये कॉन्जेनाइटल मेलफॉर्मेशन, ठीक है। रेयर समटाइम एसोसिएटेड विथ ट्राइसोमी। ट्राइसोमी कौन सी, जैसे टाउन सिंड्रोम, मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी होती है, क्या होती है, देख कॉन्जेनाइटल मेलफॉर्मेशन हुई, ठीक है। कॉन्जेनाइटल मेलफॉर्मेशन कैसे होती है, कि एक ही अम्बिलिकल आर्टरी है, सिंपल बात, ठीक है। ये होता है रेयर। रेयर क्यों, क्योंकि ये एसोसिएटेड होता है ट्राइसोमी से, इसका मतलब उसके हो सकता है कोई डाउन सिंड्रोम होगा या फिर उसके कोई और कोई भी सिंड्रोम होगा, लेकिन मोस्ट कॉमन डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन ब्लैक फीमेल और डायबिटिक फीमेल। अब आ जाओ एमनियोटिक फ्लूड पे। एमनियोटिक फ्लूड क्या होता है, पहली बात देख लो, यूट्रस, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, फीटस। सिंपल सा डायग्राम है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इधर होता है फ्लूड, ठीक है, ये जो ये बन रहा है ना, ये सारा एमनियोटिक फ्लूड है। एमनियोटिक फ्लूड कलरलेस होता है, पहली बात, इनिशियली कलरलेस होता है, ठीक है। पेशेंट कलर्ड 28th week, अच्छा क्या होता है, 28वें हफ्ते में येलो कलर, क्रीमिश टाइप हो जाता है 28वें हफ्ते में, 28th week में इट गॉट लिटिल बिट कलर्ड एंड क्रीमी, विच इज अ येलो, ओके। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है ये शॉक एब्जॉर्बर होता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रिवेंट्स डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ फीटस बाय यूटराइन वॉल, मतलब यूटराइन वॉल की वजह से कोई कंप्रेशन ना हो जाए, दबाव ना पड़ जाए, ठीक है, उसको प्रिवेंट करता है ये एमनियोटिक फ्लूड। क्योंकि भाई थोड़ा बहुत पानी रहेगा, थोड़ा बहुत कुछ फ्लूड ही रहेगा, तो उससे क्या है, कंप्रेशन होने में नहीं आएगा ना, इस वजह से, ठीक है। टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, ठीक है। सोर्स क्या है, सोर्स देखेंगे तो सोर्स है टिल 7 वीक्स अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ मैटरनल प्लाज्मा। वेट, लेट मी शो यू,
ओके तो सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? टिल 7 वीक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ मैटरनल प्लाज्मा, 7 to 20 वीक्स डिफ्यूजन फ्रॉम फीटल स्किन, फीटल स्किन से डिफ्यूजन हो जाता है, फीटल किडनी फॉर्म 12 वीक्स, फीटल की किडनी, फीटस बच्चे की किडनी कब फॉर्म होती है? 12 वीक्स में फॉर्म होती है, 7 वीक में मैटरनल प्लाज्मा का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, 7 to 20 वीक्स में डिफ्यूजन होता है फीटल स्किन से, और 20 वीक्स के बाद में फीटल यूरिन बनता है, ठीक है। फॉर्मेशन स्टार्ट एज 12 वीक, 12वें वीक से, क्योंकि किडनी बन गई ना, उसके बाद से यूरिन का फॉर्मेशन तो स्टार्ट हो जाता है, और 20 वीक्स तक ये फीटल यूरिन प्रॉपर तरीके से बन जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एमनियोटिक फ्लूड के बारे में बात चल रही, तो एमनियोटिक फ्लूड का पीएच देखना पड़ेगा ना, तो पीएच क्या है एमनियोटिक फ्लूड का? 7 से 7.5 विच इज अल्केलाइन, 7.2 और 7.4 अप्रोक्सीमेट रेंज वैल्यू होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 1.008 to 1.010। ऑब्वियसली यू वॉन्ट बी रिमेम्बरिंग दैट एंड आई वॉन्ट बी टेलिंग, बट हो जाए तो याद कर लो। ऑस्मोलैलिटी जरूर याद कर लो, 250 मिली ऑस्मोलिटर होती है, ठीक है। पीएच याद कर लो। टर्नओवर रेट 500 सीसी पर आवर होता है, आई डोंट थिंक यू विल बी रिमेम्बरिंग, इफ यू कैन यू कैन। कम्प्लीटली कब तक रिप्लेस हो जाता है? 3 आवर्स में, सो यू हैव टू रिमाइंड दिस ऑस्मोलैलिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूड, पीएच ऑफ एमनियोटिक फ्लूड एंड कम्प्लीटली रिप्लेस्ड इन 3 आवर्स। कम्पोजिशन क्या होता है ये देख लो, 99% तो पानी ही होता है, H2O होता है, और 1% इसमें सॉलिड होता है, ठीक है। सॉलिड में ऑर्गेनिक भी हो सकता है, नॉन ऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन आता है, नॉन ऑर्गेनिक में सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन आता है। यूएसजी में देखा जाए तो मेजर करते हैं अपन एमनियोटिक फ्लूड, सॉलिड में ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक आ गया है ना, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। यूएसजी में क्या मेजर कर सकते हैं अपन? एमनियोटिक फ्लूड मेजर कर सकते हैं। नाउ कम टू दिस डायग्राम, प्लेसेंटा है, क्या है आप बताए, अम्बिलिकल कॉर्ड है, प्लेसेंटा है, फीटस है, ठीक है। यहाँ एमनियोटिक फ्लूड था, इसको मेजर कर रहे हैं अपन यूएसजी से। तो ये सिंगल डीप पॉकेट है ना, सिंगल डीप पॉकेट डी और बी और सी, कोई भी एक सिंगल पॉकेट ले लो, जैसे ए का मेजर कर लिया, बी का मेजर कर दिया, सी का मेजर कर दिया, डी का मेजर कर दिया, उन सारों को प्लस कर लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज अ एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स। एक 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 कॉलम को मेजर करते जाओ, जैसे एक एक थैली है, इस थैली में कितने किलो था, 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 टोटल ऑफ दैट इज एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स। एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स बेटर रिलायबल मार्कर फॉर अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूड। एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स एक बेटर और रिलायबल मार्कर है किसके लिए? अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूड के लिए। अब आ जाओ ओलिगोहाइड्रोमनियोज और पॉलीहाइड्रोमनियोज में। ओलिगोहाइड्रोमनियोज में एसडीपी लेस देन 2 सेंटीमीटर होता है, इसमें एसडीपी पॉलीहाइड्रोमनियोज में 8 सेंटीमीटर होता है। एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स कितना रहता है? लेस देन 5 सेंटीमीटर, इसमें ग्रेटर देन 24 to 25 सेंटीमीटर। अमाउंट कितना रहता है? लेस देन 200 ml, रिमेम्बर दिस मस्ट है। अमाउंट कितना रहता है ओलिगोहाइड्रोमनियोज में? 200 ml, और पॉलीहाइड्रोमनियोज में 2। पॉली, अब यार याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है कि पॉली यानी मल्टीपल, ज्यादा, मल्टीपल क्या होता है? ज्यादा, तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा हो रहा होगा, ओलिगो में कम हो रहा होता है, ठीक है। लेस देन 200 ml, इसमें ग्रेटर देन 2 लीटर। कॉज क्या होता है? माइल्ड टू ओलिगोहाइड्रोमनियोज, इडियोपैथिक है, मतलब कॉज इज अननोन, ठीक है। मॉडरेट टू सीवियर, माइल्ड यानी कम है ना, कम से ओलिगोहाइड्रोमनियोज तक पहुंचता है, इडियोपैथिक है। मॉडरेट टू सीवियर ओलिगोहाइड्रोमनियोज पहुंचता है तो मैटरनल हाइपरटेंशन है, ये मोस्ट कॉमन होता है। मैटरनल हाइपरटेंशन, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। अदर्स में क्या होता है? लीकिंग ड्यू टू प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अदर्स में लीक होना, लीक मतलब निकलना, ठीक है। लीक मतलब निकलना किसकी वजह से होता है? कि अगर कोई मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, या फिर पोस्टडेटेड प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी 37 वीक्स इज अ नॉर्मल वीक, ठीक है। 34 वीक्स से पहले नहीं होनी चाहिए बिकॉज लंग्स मैच्योर नहीं होती, ठीक है। 34 वीक्स के बाद में अगर कोई मिसकंसेप्शन होता है तो आप फिर भी डिलीवरी कर देते हैं, बिकॉज 34 वीक्स के बाद में डिलीवर करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लंग्स मैच्योर हो जाता है बच्चे का, है ना। 37 वीक्स इज अ मोस्ट कॉमन टाइम, ठीक है। बट टिल 42 वीक्स इट कैन बी लाइक, टिल 40 वीक्स नॉर्मल रहता है, लेकिन 42 वीक्स के अब हो गया, ठीक है,
उसको बोलते हैं पोस्ट डेटल प्रेगनेंसी. तो इन पोस्ट डेटल प्लेसेंट गेट कैल्सीफाइड सो डिक्रीज बिलो 2 फीटस. पोस्ट डेटल में क्या होता है, प्लेसेंटा कैल्सीफाइड हो जाता है, कैल्शियम ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये डिक्रीज हो जाता है फ्लो, है ना, 2 फीटस. लो यूरिन ड्यू टू आरबीएफ, है ना, लो यूरिन हो जाता है, कम हो जाता है ना. अब आता है इंडोमेथासिन. इंडोमेथासिन डोज दे दे तो फीटल रीनल, अगर रीनल में यानी किडनी में एजिनेसिस हो जाए या पॉलिसिस्टिक किडनी हो जाए या मल्टीसिस्टिक किडनी हो जाए, ठीक है. अब क्या है, रेयर क्या है, एमियोन नोडोसा के नोड्यूल्स डेवलप हो गए. व्हाट डेवलप, नोड्यूल्स डेवलप हो गए इस तरीके से, ये एमनियोटिक फ्लूड था ना, इधर नोड्यूल्स डेवलप हो गए. इन एमनियोन स्टार्ट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूड. एमनियोन में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूड का रिजॉर्प्शन होने लग जाता है. अब बात करेंगे किसकी, कॉम्प्लिकेशन. कॉम्प्लिकेशन क्या है ओलिगोहाइड्रोमनियोज की, अर्ली ओलिगोहाइड्रोमनियोज होता है 30 वीक से कम टाइम में. इसका मतलब पल्मोनरी हाइपोप्लेशिया हो सकता है, लिम्ब रिडक्शन डिफेक्ट्स हो सकता है, हो सकता है लिम्ब्स में कोई कोई चीज कम हो, क्या पता उसकी उंगली कम हो, क्या पता छोटी हो, क्या पता क्या, ठीक है. जस्ट एन एग्जाम्पल एम गिविंग, अर्ली हाइड्रोमनियोज में क्या होगा, पल्मोनरी हाइपोप्लेशिया हो सकता है, लिम्ब रिडक्शन डिफेक्ट्स हो सकते हैं. अब लेट ओलिगोहाइड्रोमनियोज की बात करेंगे. लेट ओलिगोहाइड्रोमनियोज ग्रेटर देन 30 वीक होता है, ठीक है, वो लेस देन 30 वीक था, ये ग्रेटर देन 30 वीक होगा. तो ग्रेटर देन 30 वीक में क्या होता है, मिकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम. मिकोनियम आपको पता होगा कि बच्चे ने स्टूल पास कर दिया हो पेट में ही, माँ के पेट में ही, ठीक है. तो उसको क्या है, वो अगर स्टूल पास हो गया और बच्चा अंदर है, बाई चांस उसको रेस्पायर कर जाए तो उसके फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है, उसके वो अटक सकता है, रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम आएगी उसकी. डेफिनेटली मिकोनियम होने से पहले ही बच्चे को डिलीवर करना जरूरी होता है, अदरवाइज एस्पायरेशन मतलब यही होता है कि कहीं वो निकल ना जाए, ठीक है. मैनेजमेंट क्या है, अकॉर्डिंगली टू कॉज, डिपेंड करता है कॉज के ऊपर कि क्या कॉज है. मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, मैटरनल हाइपरटेंशन, कि माँ हाइपरटेंसिव है, ठीक है, यानी बीपी ज्यादा है, 160 के अबव है, है ना. एंटी हाइपरटेंसिव आर स्टार्टेड, इसको एंटी हाइपरटेंसिव यानी बीपी कंट्रोल करने की दवाइयां देनी पड़ती है. व्हेन एसबीपी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन 160 mmHg, आई टोल्ड यू 160 mmHg, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 110 mmHg, प्लस उसकी एमनियोन इन्फ्यूजन हो जाए, यानी इन्फ्यूज और स्टिल नॉर्मल सलाइन इन एमनियोटिक कैविटी, मतलब थोड़ा बहुत उसमें सलाइन हो, ठीक है, इन एमनियोटिक कैविटी. ये यूएस गाइडेंस के थ्रू होता है. अब आ जाओ पॉलीहाइड्रोमनियोज में, पॉलीहाइड्रोमनियोज ज्यादा, ठीक है, मल्टीपल. मोस्ट कॉमन कॉज इडियोपैथिक इज ग्रेटर देन ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, या तो इडियोपैथिक है यानी अनोन है, ठीक है, या फिर ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, एनटीडी है उसकी. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली दिमाग से प्रॉब्लम हो सकती है, एनेंसेफेली हो सकता है. एनेंसेफेली ज्यादा होता है स्पिना बाइफिडा पर्टा से. इसमें क्या होता है, सीएसएफ होता है जिसकी वजह से पॉलीहाइड्रोमनिया हो जाता है. याद रख लो, एनेंसेफेली ज्यादा होता है स्पिना बाइफिडा से, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, सीएसएफ हो सकता है ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से पॉलीहाइड्रोमनिया कॉज हो जाता है ना. अब ये जो इस काइंड ऑफ है, ठीक है, इसमें बना रखा है एनसीएसएफ फ्लूड है जिसकी वजह से हो गया. दिस होल इज नॉट कवर्ड विद स्किन, ये जो होल है ये कवर नहीं होता है स्किन से, सो सीएसएफ विल कम आउट फ्रॉम, सो सीएसएफ विल कम आउट टू एमनियोन, ठीक है. ये होल कवर नहीं होता स्किन से, इस वजह से क्या होता है, इसमें से सीएसएफ बाहर आ जाता है एमनियोन में. नॉट यानी स्पिना बाइफिडा ऑकल्शन, ठीक है. फिर सेकेंड क्या हो सकता है, इंसेफेलोसील हो सकती है. इंसेफेलोसील में मोस्ट कॉमन साइट होती है ऑसिपिटल रीजन. ऑसिपिटल रीजन यू नो ना, द बैक प्लेट आपका जो नेक से ऊपर वाला पोर्शन होता है बैक में हेड के, वो होता है ऑसिपिटल रीजन, ठीक है. मीन और इसमें सील मतलब होता है हर्निया, है ना. तो इंसेफेलोसील हो सकता है जिसमें होता है ऑसिपिटल रीजन होता है, ठीक है. नेक्स्ट आता है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिफेक्ट हो सकता है ना. गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिफेक्ट में क्या होगा, क्लेफ्ट लिप आएगा. क्लेफ्ट लिप का मतलब क्या होता है, जो होट होता है ना वो थोड़ा सा कट्टा हुआ आता है, या क्लेफ्ट पैलेट, जो आपकी जो जीभ है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई आएगी, इस काइंड ऑफ आएगी, कटी हुई आएगी, इस काइंड ऑफ होती है, ठीक है. ईसोफेजियल एट्रेसिया हो सकता है, ड्यूडेनल एट्रेसिया हो सकता है, एन्युलर पैंक्रियाज हो सकता है, ठीक है. ये डिफेक्ट्स एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए.
मल्टी फीटल प्रेगनेंसी यानी डबल ट्रिपल बच्चा हो उसमें पेट में उसके, डायबिटिक मदर, डायबिटिक मदर बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से मिसकॉन्सेप्शंस कहलाते हैं, है ना, इसमें कुछ ना कुछ बीमारी, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके बच्चे के हो ही जाती है, ठीक है। डायबिटिक मदर, हाइपरग्लाइसेमिया, फीटल हाइपरग्लाइसेमिया जिसकी वजह से ऑस्मोटिक डायूरेसिस हो जाएगा। डायबिटिक मदर जिसमें क्या हो जाएगा, अगर हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, तो फीटल भी हाइपरग्लाइसेमिक आएगा जिसकी वजह से ऑस्मोटिक डायूरेसिस हो जाएगा। दीज टर्म्स यू ऑल नो द मीनिंग, आई डोंट नीड टू टेल एवरी थिंग एज अ मीनिंग, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन, राइट। देन आता है टॉर्च इन्फेक्शंस, ठीक है। देन आर एच इन कम्पेटिबिलिटी, सबको पता है आर एच इन कम्पेटिबिलिटी, है ना, बट स्टिल दिस हैव अ चैप्टर बिहाइंड दैट, दो इसका अपन अच्छे से पढ़ लेंगे। कोरियो एंजियोमा ऑफ प्लेसेंटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर एच इन कम्पेटिबिलिटी, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है ना। तो कोरियो एंजियोमा ऑफ प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा में ट्यूमर होना, ट्रांसड्यूशन ऑफ फ्लूड, ट्राइजोमीज हो जाती है, मोस्ट कॉमन कौन सी रहती है, ट्राइजोमी 21, ड्यूडिनल और इसोफेजियल एट्रेसिया, है ना। अब कॉम्प्लिकेशन में मेल प्रेजेंटेशन होगी, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। प्रीटर्म लेबर, पहले ही बच्चा डिलीवर हो जाएगा, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाएगा, ब्लीड हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। और क्या होगा, रेस्पायरेटरी डिस्कम्फर्ट, सांस लेने में दिक्कत आएगी, रेस्पायरेटरी डिस्कम्फर्ट, ओके। देन रेस्पायरेटरी डिस्कम्फर्ट मैनेजमेंट क्या है, अकॉर्डिंगली टू कॉज, डिपेंड्स ऑन द कॉज, प्लस एमनियोसेंटेसिस इफ रेस्पायरेटरी डिस्कम्फर्ट, अगर एमनियोसेंटेसिस कब होगा उसके, जब रेस्पायरेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी तब। देन उसको या इंडोमेथेसिन, इंडोमेथेसिन ऑलमोस्ट ट्राई करना होता है कि प्रेगनेंसी में ना दे, और एंड द मोमेंट जब डिलीवर होने वाला होता है उस टाइम पे ना दे इंडोमेथेसिन, बट नॉट आफ्टर 32 वीक्स, 32 वीक्स के बाद में ना दे, है ना। साइड इफेक्ट इसका रहता है कि प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। 32 वीक्स के बाद में तो नहीं देनी होती है, बिकॉज क्या करती है, ये डक्टस आर्टेरियोसिस को क्लोज कर देती है, है ना। कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड कलरलेस होता है ऑलमोस्ट, बट 28 और 22 वीक्स के अप्रॉक्स में ये येलोइश और क्रीमी हो जाता है, ठीक है। एट टर्म, टर्म के टाइम पे ये स्ट्रॉ कलर्ड हो जाता है यानी लाइट येलो, टर्म वाले टाइम पे ये स्ट्रॉ कलर्ड हो जाता है, लाइट येलो हो जाता है। 37 to 40 वीक्स के टाइम पे बिल्कुल येलोइश ही हो जाता है ड्यू टू वेरोनिक्स कैसियोसा स्किन फ्लेक्स, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत स्किन के क्या बोलते हैं कतरे आ जाते हैं, है ना, फ्लेक्स यानी कतरा आ जाता है, तो ये वर्निक्स कैसियोसा की वजह से स्ट्रॉ कलर्ड हो जाता है। सो स्ट्रॉ कलर्ड हो जाता है ड्यू टू वर्निक्स कैसियोसा, क्योंकि इसमें स्किन फ्लेक्स हो जाते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। देन होता है आर एच इन कम्पेटिबिलिटी, आर एच इन कम्पेटिबिलिटी में गोल्डन येलो कलर हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाती है जिसकी वजह से बिलिरुबिन रिलीज होता है, बिलिरुबिन क्या करता है रिलीज होने के बाद में एमनियन में एंटर हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रक्ट मतलब आरबीसी टूट जाती है, रिलीज करता है ब्लेरुविन और एमनियन में एंटर हो जाता है। देन आता है पोस्टडेटेड प्रेगनेंसी, पोस्टडेटेड प्रेगनेंसी यानी ग्रीनिश येलो या सेफ्रॉन कलर होती है, ठीक है। कलर्स आपको याद रखने हैं गाइस, डेफिनेटली आपको याद रखने हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक्चुअल में कलरलेस होता है, टर्म के बाद में इस काइंड ऑफ कलर हो जाता है, लिस्टेरिया ब्रीच और ट्रांसवर्स में ग्रीन कलर हो जाता है, पोस्टडेटेड में ग्रीनिश येलो यानी सेफ्रॉन कलर हो रहा है, ठीक है। इंट्रायूटेराइन फीटस डिमाइज और डेथ, अगर बच्चे की यूट्रस में डेथ हो जाती है, ठीक है, पेट में ही बच्चा अगर डेथ हो जाता है तो उसका कलर हो जाता है ब्लैकिश ब्राउन या टोबैको कलर्ड। देन आपको याद रखना है अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूड, अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूड में मैक्सिमम 1 लीटर होता है 36 वीक्स पे, यू हैव टू रिमाइंड दीज कैलकुलेशन, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं बट ये तो याद करना पड़ेगा यार, ठीक है। देन होता है आपका 500 ml एट 40 वीक्स, ठीक है, और 400 ml हो जाता है एट 42 वीक्स, जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी हो जाती है, अगर पोस्टडेटेड प्रेगनेंसी है तो ग्रीनिश येलो कलर हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूड का, ठीक है। तो 400 ml एट 42 वीक्स, क्योंकि कम हो जाता है गाइस, देखो यहां पर 36 वीक पे 37 वीक पे 1 लीटर के अप्रोक्स रहता है, ठीक है, फिर थोड़ा कम होके 40 वीक्स तक 500 ml हो जाता है, 400 ml हो जाता है 42 वीक्स पे। जब भी बोलते हैं कि 37 वीक्स 38 वीक्स इज अ टाइम जब बच्चा डिलीवर हो जाए, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी। सो दिस ऑल अबाउट
दिस चैप्टर विच इज अम्बिलिकल कॉर्ड. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आई होप आपको कुछ तो याद हुआ ही होगा यार. ठीक है, कुछ समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, यू कैन कमेंट मी. कोई टिप हो, कोई ट्रिक हो, कोई एक्स्ट्रा कोई पॉइंट हो, यू कैन कमेंट बिलो. एटलीस्ट एवरीवन वुड बी गेटिंग टू नो. ठीक है, और ऐसे ही मेरे चैनल पर आते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ सिखाते रहें, दैट्स मोर बेटर. सो इसी के साथ दिस चैप्टर इज ओवर. नेक्स्ट लेट आई टेल यू, नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे. नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी. आई एम नॉट लाइक टेकिंग दिस 1 आवर वीडियो बिकॉज 1 आवर वीडियो कोई नहीं देखता. ठीक है, तो 20 मिनट्स 30 मिनट्स हार्डली 30 मिनट्स तक अगर आप वीडियो देख लेते हैं वो भी बिग इनफ है. सो बेटर जस्ट वॉच इट आउट एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, स्टे हेल्दी. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.